ये मैं बैतुल मकदस के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये असल में पूरा एक कंपाउंड है, बीच में कुब्बतुल सखरा है जिसको डूम ऑफ द रॉक कहते हैं, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। वो जो बीच का एरिया है उसके अंदर जो मरवान इब्ने वलीद थे, शायद बनी उमैया के खलीफा, उन्होंने उसके ऊपर ये जो चट्टान है ये डूम प्रोड्यूस कर दिया या क्रिएट कर दिया। ये असल में वहां पर एक हिस्सा था जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, ये उसकी निशानी थी। तो उधर ये हो गया सारा। अब फोर्टिफिकेशन राइट साइड पर अगर आप देखें तो एक एक सीमेंटेड कलर की मस्जिद है या ग्रे कलर की मस्जिद है, वो मस्जिद अक्सा का मिंबर है या कह रहे वहां पे मेहराब है। वहां से ये सारा कंपाउंड बढ़ के आगे लेफ्ट साइड पे हैकले सुलेमानिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो टेंपल था उससे जुड़ता है। और ये पूरा सिलसिला एक पहाड़ है माउंट जायन, या जिसको आप कहते हैं टेंपल माउंट, वहां पर ये सारा मामला है। इसको उन्होंने पकड़ के अब कब्जा करना है। और ये आपकी नहीं है, ये बहुत देर की बातें चल रही हैं। अब उनको पता है ये राइट टाइम है, अल्लाह ताला ऐसा ना करें, लेकिन जो है ना फ्यूचर इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर एंड दे आर कास्टिंग शैडोज लॉन्ग टाइम बिफोर, बट मुस्लिम्स आर एस्लीप, हम सो रहे हैं और ये सब बहुत देर का चल रहा है। लेकिन एनीवेज अल्लाह का शुक्र है, कम से कम इतनी फोरसाइटेडनेस तो है, या हम लोग देख तो सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मामला हो रहा है, तेल की धार किधर जा रही है, करंट्स कहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, ये टाइड्स वेव्स कहाँ जा रही हैं, कहाँ नीचे हो रही हैं, कहाँ ऊपर हो रही हैं, ये सारे मामला पता चल रहे हैं। एक चीज मैंने लर्न की थी टाइड्स के बारे में, देखें जब समंदर में टाइड उठती है ना और एक जगह कम होती है तो उसका मतलब है दूसरी जगह पर वो टाइड उठ रही है।